और अभी समर का वेकेशन भी होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे आंख बंद करके आ सकते हैं। इसका हम लोग को इंतजार था दोस्तों, मटन हांडी काफी गर्म है, नहीं देखे होंगे किसी भी रेस्टोरेंट में, तो स्पेस देखिए काफी बड़ा है। आप लोग यहाँ पे किटी पार्टी, तो अभी मेरा सूप आ गया है, वे सूप आप लोग देख सकते हैं, काफी स्पाइसी। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। अभी हूँ मैं अंबिकापुरी के रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का नाम है द ग्रैंड अंबा। ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा दोस्तों आप लोग। अभी यहाँ मैं डिनर पे आई हूँ, मुझे यहाँ पता चला है कि अंबिकापुर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है दोस्तों द ग्रैंड अंबा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हांडी बिरयानी, चिकन हांडी बिरयानी, मटन हांडी बिरयानी, इंडियन, चाइनीज, मॉकटेल, तंदूर, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके के यहाँ पे डिश अवेलेबल है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट अंदर में कैसा है, सारा फुल डिटेल्स देंगे यहाँ के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों, आइए अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। एक ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस आप लोग देख सकते हैं, सेल्फी पॉइंट पे यहाँ पे बना हुआ है आप लोगों के लिए, फुल स्पेस है ना। तो और भी एक जगह दिखाती हूँ मैं आप लोग को, जो यहाँ का काफी शानदार लोकेशन है, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। आइए, ऐसा लगेगा आप लोग कि आप लोग अपने घर के आंगन में खाना खा रहे हैं, ऐसा फील होगा। तो आइए अंदर लेकर चलती हूँ मैं आप लोग को, ये देखिए ऐसा फील होगा दोस्तों कि आप लोग अपने घर के आंगन में बैठ के खाना खा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे आप लोग को फील होगा, ये देखिए। और यहाँ पे आप लोग को बता दूं मैं, पार्टी हॉल भी है और ये देखिए झूला भी है, अगर आप लोग यहाँ पे डिश खाते हुए यहाँ पे आप लोग एंजॉय भी कर सकते हैं, झूला भी झूल सकते हैं, तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है और स्पेस भी काफी ज्यादा है यहाँ पे आप लोग जैसा देख सकते हैं। तो आप लोग स्पेस देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा स्पेस यहाँ पे बना हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए। और अभी समर का वेकेशन भी होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग भी समर वेकेशन में यहाँ पे आ सकते हैं, इवनिंग समय पे डिनर पे आ सकते हैं द ग्रैंड अंबा। और आप लोग देखिए यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है और मौसम भी मस्त ठंडी ठंडी चल रही है ना, तो आप लोग कहाँ आना है, डिनर पे आना है। अगर आप लोग डिनर पे कहाँ आना है दोस्तों, द ग्रैंड अंबा, एड्रेस आप लोगों को बताऊंगी। और अभी अपन डिश भी ट्राई करेंगे कि यहाँ का डिश कैसा है, जो हम लोग ऑर्डर दिए हैं उसका टेस्ट कैसा है। तो अभी जिसकी बात कर रही थी कि यहाँ पे आप लोग के लिए पार्टी हॉल भी अवेलेबल है दोस्तों, तो चलिए अंदर चलते हैं और स्पेस भी देखिए, पार्टी हॉल आप लोग इतना बड़ा नहीं देखे होंगे किसी भी रेस्टोरेंट में, तो स्पेस देखिए काफी बड़ा है। आप लोग यहाँ पे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी है ना, छोटा एक एंगेजमेंट भी सेलिब्रेशन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आइए देखिए, अभी रिसेंटली मैं बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पे किए थे, उसी का प्रिपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है और काफी मस्त लग्जरी सोफा भी है जैसा आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो मैं सोची कि यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही आप लोग से अपने वीडियो के माध्यम से। तो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ दोस्तों और अभी मैं बनवा रही हूँ मशरूम की सब्जी, तो अभी मशरूम की सब्जी बना रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं। अभी मेरा डिश बन ही रहा है जैसे आप लोग देखिए किचन में, है ना, मशरूम की सब्जी, रोटी, मटन हांडी और भी बहुत कुछ डिश बन रहा है। तो अभी मैं ऑर्डर की थी सूप, तो अभी मेरा सूप आ गया है, वे सूप आप लोग देख सकते हैं, काफी स्पाइसी। और टेस्ट अभी करते हैं, वाओ काफी गर्म है और काफी यम्मी है, काफी मुझे पसंद आया यहाँ का सूप मुझे। और आप लोग देख सकते हैं इसमें भर भर के वेज ऐड किए हैं, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। अभी मैं ऑर्डर की थी पनीर कॉर्न पकोड़ा, वाओ काफी सॉफ्ट है डिश, काफी ज्यादा सॉफ्ट है जैसा आप देख सकते हैं, तो मैं तो खा रही हूँ और आप लोग भी जल्दी आए यहाँ खाने के लिए। तो हमारा डिश आ गया है जिसका हम लोग को इंतजार था दोस्तों, मटन हांडी काफी गर्म है और मेरा फेवरेट मशरूम की सब्जी और साथ में मेरा फेवरेट रोटी, है ना, रोटी है ना इसमें, ओके, और सैलेड भी आया है। तो मटन हांडी आइए दिखाते हैं आप लोग को, कैसे ओपन करेंगे बहन लोग बता दो इसको, ये देखिए अभी ओपन कर रही है हमारी बहन। क्या नाम है आपका? देवंती सिंह। कहाँ से हो आप? बरियो से। बरियो से हो आप, अरे वाह, अभी ओपन कर रही है, अरे गजब, मटन हांडी बनकर रेडी है, ये देखिए आप लोग, वाओ। मैं तो खाती नहीं दोस्तों, लेकिन आप लोग को खिला रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। देखिए हमारी बहन निकाल दी है, पास लाकर दिखाइए, वाओ देखिए
कितना स्पाइसी बना हुआ है, टेस्ट करेंगे अभी, है ना। तो टेस्ट करके बताएंगे आप लोगों को। मटन हांडी आप लोग देखिए, और ये मेरा मशरूम सब्जी, यहाँ पे मशरूम सब्जी भी बनकर आ गया है। ये देखिए काफी लजीज स्पाइसी मशरूम की सब्जी बटर के साथ बना है। और ये रोटी है ना, यहाँ पे ऑनलाइन की भी सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। घर बैठे आप लोग यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं जोमेटो स्विगी। तो जल्दी से दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए और जल्दी से घर बैठे यहाँ का डिश ऑर्डर कीजिए और आनंद लीजिए। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और आप लोग देखिए यहाँ क्या क्या स्पेशल है अवेलेबल है आप लोगों के लिए। यहाँ का स्पेशल है मटन हांडी, हम लोग टेस्ट किए जैसा आप लोग देखिए, और मटन हांडी, चिकन हांडी और जितने भी फास्ट फूड होते हैं वो है, वेज और नॉन वेज दोनों फूड यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोगों को कहाँ ना है आप लोगों को बता दूं मैं, बनारस चौक सर्कस ग्राउंड में ही इनका रेस्टोरेंट है। और आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पे मॉकटेल की भी सुविधा उपलब्ध है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो मॉकटेल का भी आनंद आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ के ऑनर का नंबर मैं मेंशन कर दे रही हूँ, जितने भी आपके डाउट्स हैं कॉल करके आप लोग पूछ लीजिएगा। और अगर आप लोग को हॉल बुक करना है तो एक दिन पहले कॉल कर लीजिएगा ऑनर को, ताकि सारा प्रिपरेशन रेडी करके रखे। मुझे सबसे अच्छा लोकेशन आप लोग को बता दूं मैं, बाहर का लॉन लगा, क्योंकि काफी अच्छा एकदम मस्त चांदनी के नीचे, है ना, आसमान के नीचे डिनर कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। एड्रेस जैसे आप लोगों को बताई मैं, बनारस चौक में सर्कस ग्राउंड में ही इनका रेस्टोरेंट है, द ग्रैंड अम्बा। तो वीडियो को ढेर सारे शेयर कीजिए, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगर कुछ पूछना है, कुछ जाना है मुझसे, तो इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, आपके मैं मैसेज का जरूर रिप्लाई दूंगी मैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।